चलो नेक्स्ट, लेट्स स्टार्ट विथ यप सितंबर 21। चलो एमसीक्यू से स्टार्ट करते हैं। सॉल्व करना स्टार्ट करो। ऑशियन स्कूल, अरे पढ़ा था ना, चैप्टर 2 में है ऑशियन स्कूल। हाँ चैप्टर 2 में देखो, उससे देख के बताओ ना। चैप्टर 2 से, इकोनॉमिस्ट फॉलोइंग ऑशियन स्कूल ऑफ थॉट क्या करेंगे उन लोग? प्लेस एम्फेसिस ऑन इंडिविजुअल सब्जेक्टिव प्रेफरेंसेस, फोकस ऑन मार्केट फोर्सेस। बिल्ली मेरे को भी एग्जैक्टली याद नहीं रहते ऑशियन फोर्सेस और इनका, एंड में फिर किया था उसका। या तो आपको चैप्टर 2 में मिलेगा या चैप्टर 23 में मिलेगा, इन दोनों में ही आपको मिलेगा। क्या होगा देख के बताओ। इंडिविजुअल सब्जेक्टिव रेफरेंस तो मेरे को नहीं लगता है होगा, और 2 और 3 आइडियली दोनों उल्टा चल रहे हैं, क्योंकि इसमें बोल रहे हैं मार्केट फोर्सेस डिमांड सप्लाई है, एंड इसमें बोल रहे हैं सेंट्रली प्लान्ड है, तो ये दोनों उल्टा है। आई थिंक ऑस्ट्रियन स्कूल बिलीव्स इन दिस, एक बार देखो तो। मतलब वो खाली गवर्नमेंट, इट्स लाइक अ केंशियन में जैसे गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट वो कंसिडर करते हैं। हाँ, अरे रुको, नॉट करेक्ट है ना। देखो एक बार देखो, मुझे याद नहीं। ऑस्ट्रियन स्कूल ऑनेस्टली उल्टा भी हो सकता है। क्या है इसका फोकस ऑन, तो इसका क्या मतलब है? ठीक है आगे पढ़ो। ठीक है, मैं वो गवर्नमेंट फोकस ऑन उसके पहले। तो नॉट है ना, तो मतलब वो कंपटीशन पे फोकस कर रहे हैं, मतलब सेंट्रली प्लान्ड पे नहीं फोकस कर रहे हैं। और गवर्नमेंट इंटरवेंशन कब होता है? जब मार्केट फोर्सेस फ्री इकोनॉमी में गवर्नमेंट इंटरवीन करता है, मतलब ये वाला। और अगर ये फ्री मार्केट है तो ये भी होगा, तो नॉट मतलब ऑप्टन, नॉट दिस बेसिकली, तो ऑप्शन सी। ठीक है नेक्स्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ, वेरी गुड, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ही होगा और तो क्या ही होगा। नेक्स्ट, क्योंकि कंपटीशन नहीं हो सकता, गवर्नमेंट क्या कंपटीशन करेगा, ये दोनों भी नहीं हो सकता, बिकॉज हेल्थ एंड एजुकेशन दोनों ही मेरिट गुड है, तो देयर इज ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिक्रीजेस कॉजन एन इंडिविजुअल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ अ नॉर्मल गुड बिकॉज। गुड बिकम्स लेस एक्सपेंसिव रिलेटिव टू, हाँ ठीक है नॉर्मल गुड है ना, तो आपको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को समझाना है। चेंज इन प्राइस कॉजेज एन इंक्रीज, हाँ फोर। वुड नॉट, नहीं जानवी ने डी बोला, एक सेकेंड रुको मैं उसका क्लैरिफाई करती हूँ। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ प्राइस डिक्रीजेस बोला है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट डिक्रीज होता है कॉजेज एन इंडिविजुअल टू परचेज मोर यूनिट्स ऑफ अ नॉर्मल गुड बिकॉज, क्योंकि जब आपका प्राइस डिक्रीज हो रहा है तो वो आप सब्स्टिट्यूट कब करोगे? अच्छा ठीक है, क्वेश्चन 2 ठीक है। नेक्स्ट 4 का बोलो। वुड नॉट एक्सप्लेन व्हेन
प्राइस ऑफ गुड क्या? नॉट एक्सप्लेन व्हेन द प्राइस ऑफ अ गुड राइजेस. तो अगर प्राइस राइज हो जाए, क्वांटिटी सप्लाइड विल ऑल्सो राइज. ऑप्शन ए क्या है? फर्म्स एक्सपेक्ट फ्यूचर प्राइस टू राइज. तो अगर अभी प्राइस बढ़ रहा है तो क्वांटिटी सप्लाई अभी राइज नॉट एक्सप्लेन बोला है. अभी अगर हम लोग एक्सपेक्ट करते कि फ्यूचर प्राइस बढ़ेगा तो हम लोग अभी कम करेंगे ना, तो ये नहीं एक्सप्लेन करे कि देर इज अ राइज इन सप्लाई. क्योंकि अगर हम लोग एक्सपेक्ट करें फ्यूचर में प्राइस बढ़ेगा तो अभी हम लोग सप्लाई कम करेंगे. नेक्स्ट, इनकम इलास्टिसिटी 2 बोला है. 50 से 52 मिलियन ये नीचे होता है. क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ गुडविल यहाँ पे आपका 2 आ रहा है ना, तो कितना परसेंटेज चेंज है नीचे में, कितना परसेंटेज चेंज है? हाँ, तो 4 × 2 8 है क्या आंसर? हाँ, अ टिपिकल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस ऑफ इट्स आउटपुट सो इट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट. इक्वल्स टू व्हाट? प्राइस है ना, तो मार्जिनल कॉस्ट इज ऑलवेज इक्वल टू प्राइस, दैट इज योर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट, विच इज टिपिकल फर्म कैन नॉट अफेक्ट द प्राइस सो इट मैक्सिमाइजेस. तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग पॉइंट इज पी इक्वल्स टू एम सी 7. लॉन्ग रन मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन सेकेंड आप लोग करो. हाँ, क्या होगा? 7 हैव एक्सेस कैपेसिटी, क्यों? नेगेशन अगर हम लोग करने का कोशिश करें, बी होगा आंसर. सोशली एफिशिएंट पे नहीं करता है, लोएस्ट पॉइंट पे नहीं करता है, लो फॉलिंग पे प्रोड्यूस एट द लोएस्ट पॉइंट नहीं करता है, लोएस्ट पे. ठीक है, नेक्स्ट 8. मॉरल हजार्ड इज, हाँ तो कौन सा? डी. वेरी कॉमन कि आफ्टर टेकिंग द इंश्योरेंस आप कैजुअल हो जाते हो. एवरेज कॉस्ट एंड एवरेज रेवेन्यू दिया हुआ है, विच इज ट्रू. एमसी अगर निकालना चाहे तो निकाल सकते हैं, टोटल कॉस्ट निकाल के डिवाइड करके निकालना होगा. एमसी अगर कोई निकाल रहा है तो मेरे को बता सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं पे देखो ना, फोर्थ यूनिट बोल रहे हैं. अगर तुम लोग ध्यान से भी देखो एवरेज कॉस्ट कर्व कैसा होता है, ये आपका एसी है तो ये आपका एमसी होता है. तो यहाँ पे इक्वल जब होता है तो जब आपका मतलब इट्स लाइक इंक्रीजिंग पॉइंट ना, तो हो सकता है इधर एमसी इक्वल आए कुछ, और एआर में उल्टा होता है. दिस इज योर एआर एंड दिस इज योर एमआर. तो फोर्थ पॉइंट इज ग्रेटर देन द मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फर्स्ट आइटम. पहला आइटम का मार्जिनल कॉस्ट क्या है? ये नहीं होगा ना,
ग्रेटर नहीं है, कम है उससे. और मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग फोर्थ आइटम इज लेस देन द मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ. मार्जिनल रेवेन्यू ऑफ फोर्थ कितना है? 6 आ रहे, मल्टीप्लाई करके माइनस करके देख लिया. और इसका कितना है? 12 फोर्थ का. हाँ, नहीं, पॉजिटिव कैसे होगा? ए आर फॉल हो रहा है, तो डी होगा क्या? थर्ड आइटम इज ग्रेटर देन मार्जिनल कॉस्ट ऑफ सेलिंग द थर्ड आइटम, करके देख लो थर्ड आइटम का. ठीक है, 10 करके देखा ना तुम लोग थर्ड आइटम का, कि मन से बोल दिया है. 18 × 3 करो, टोटल रेवेन्यू कितना आ रहा है? माइनस 19 × 2 कितना आया? और ये कॉस्ट 12 × 3 कितना होता है? माइनस 26 ग्रेटर है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इकोनॉमीज ऑफ स्कोप? क्या था इकोनॉमीज ऑफ स्कोप? प्रोड्यूसेस न्यू प्रोडक्ट, इन डूइंग सो द लोअर एवरेज, मतलब कि एक बाय प्रोडक्ट वाला जो एग्जाम्पल होता है, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट बना रहे हैं, बाय प्रोडक्ट बनाने से हम लोग का वो बना के भी बेचेंगे, तो फिर तुम और जाओ और लेके आ जाओ. तुम नहीं जाओगी, इसको जाने दो, तुम जाओ, उठ के जाओ यहां से, लेके आओ. बैग में नहीं है, लाना है उठ के, और मुंह धो के आना. क्या तुम बैठो, जाओ नेक्स्ट. तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, जब आप बहुत सारे गुड्स साथ में प्रोड्यूस करते हो और आप उसको बाय प्रोडक्ट को बेचते हो, तो आपका एवरेज कॉस्ट कम हो जाता है. ठीक है, नेक्स्ट. 11, इंक्रीजिंग लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट आर एसोसिएटेड विथ. इतना इजी है. डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि आपका डिमिनिशिंग रिटर्न्स तो शॉर्ट टर्म है. तो ये हमने अभी किया था LRAC, ये हो गया कॉन्स्टेंट, ये हो गया इंक्रीजिंग, और ये हो गया डिक्रीजिंग. 12 ट्रू. डी, एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट कैन नेवर बिकम नेगेटिव. ऑब्वियसली, व्हाट इज एवरेज फिजिकल? टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय ऑफ लेबर, तो योर टोटल प्रोडक्ट कैन नॉट बिकम नेगेटिव. ठीक है, ये होगा. बाकी ये नेगेटिव जा सकता है, ये भी होता है ग्रेटर देन, एंड ये भी होगा. ठीक है, नहीं, एक सेकेंड. इज एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नहीं होता है, फॉल्स होता है. हाँ, 13, एट व्हाट लेवल इज द एपी एंड एमपी इज मैक्सिमम? एपी मैक्सिमम कब आ रहा है? 22/3 कितना होता है? 22/3 कितना होता है? एपी का कर्व कैसा होता है? एपी का कर्व ऐसे, और एमपी तो ये एमपी होता है, और ये ऐसे.
तो मैक्सिमम कब अचीव हो रहा है एपी का? 3 पे अचीव हो रहा है क्योंकि 7.3 के बाद वो वापस फॉल हो रहा है इधर, ये एपी हो गया और एमपी इधर, एमपी निकालो चेंज कर करके ना, ये हो गया 5, 9, तो इधर सेकेंड यूनिट पे, तो सेकेंड ठीक है। नेक्स्ट इंक्रीज इन डिमांड, मार्जिनल कॉस्ट एंड एवरेज कॉस्ट कर्व में कोई चेंज नहीं है, डिमांड इंक्रीज हो रहा है, मार्केट डिमांड कर्व विल शिफ्ट टू द राइट, तो परफेक्ट कंपटीशन में क्या होगा शॉर्ट टर्म में? कौन कांस्टेंट रहेगा क्या प्राइस? ए ही होगा, आपका प्राइस इंक्रीज होगा शॉर्ट टर्म में एंड लॉन्ग रन में वो वापस ओरिजिनल लेवल पे। कैसे आते हैं? नए फर्म्स आ जाएंगे, सप्लाई कर्व शिफ्ट हो जाएगा तो वापस से आपका, हाँ, और रेज नहीं होता है और ये की प्राइस कॉन्स्टेंट, ये वाला भी नहीं होगा। चलो नेक्स्ट। ये हो गया आपका एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ये हो गया एमसी एंड ऑपरेट्स इन अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट। अ डिक्रीज इन डिमांड फॉर कार्पेट्स दैट रिड्यूसेस द प्राइस फ्रॉम 600 to 400 विल मीन दैट इन शॉर्ट टर्म क्या होगा? परफेक्ट कॉम्पिटिशन है ना, तो प्राइस 600 से 400 हो गए, गिवन होते हैं मेरे लिए प्राइस, तो क्या होगा 400 होने से क्या होगा? एवीसी कम हो गया मतलब, एवीसी से कम हो गया मतलब शट डाउन। 16 नंबर, प्राइस एक्सीड्स मार्जिनल रेवेन्यू बिकॉज इसका मीनिंग कोई बताएगा? इसका मीनिंग ये है कि डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व है, और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? ए आर एम आर डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों होता है? डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है तभी तो प्राइस इज ग्रेटर देन एम आर ना, अगर कॉन्स्टेंट होता तो इक्वल होता, हमने इसको प्रूव किया है मैथमेटिकली क्लास में। हाँ, कौन सा पॉइंट है? वेरी इजी, सी होगा आंसर। अ फर्म हैज टू रिड्यूस द प्राइस इन ऑर्डर टू सेल एन एडिशनल यूनिट, इसका मतलब आपका जो प्राइस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड अगर प्राइस डाउनवर्ड है तो एम आर भी डाउनवर्ड होगा एंड उससे कम होगा। क्वेश्चन इज वाई योर प्राइस एक्सीड्स एम आर, बिकॉज इट्स डाउनवर्ड स्लोपिंग। ए आर इज वॉट? डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा तभी तो एम आर विल बी ट्वाइस द स्लोप होता है ना। हाँ, तो इसीलिए क्यों? क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग, डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है ये? अब इन लोग ए क्यों नहीं होगा? फर्म हैज टू चार्ज अ प्राइस हायर देन एमसी, ये रीजन आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग के लिए, तो इससे आपका डाउनवर्ड का कोई रिलेशन नहीं है, ये आपका परफेक्ट कंपटीशन में भी होल्ड ट्रू करता है। एनी डिसीजन बाय मोनोपोलिस्ट टू सेल एन एडिशन डज नॉट अफेक्ट द प्राइस, ये तो गलत है, इट विल डेफिनेटली अफेक्ट द प्राइस एंड लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का कोई मीनिंग नहीं है इधर। क्लियर? क्यों सी होगा? क्योंकि डाउनवर्ड स्लोपिंग, और डाउनवर्ड स्लोपिंग है तभी एम आर इज लेस देन ए आर। 17 नंबर, ये मार्क कर लो क्वेश्चन, आई डोंट नो व्हाई, ये मैंने क्लास में भी समझाया, ये वाला क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है CB2 का। 17, व्हाट इज द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट? रेवेन्यू कितना है? टोटल रेवेन्यू
टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट दिया है ना, तो टोटल कॉस्ट निकाल लो, 8,000। क्या हुआ, अब बताओ क्या सोच रहा था इतना सिंपल। दैट्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट ना। दैट्स अ सुपर नॉर्मल प्रॉफिट। जस्ट गिव मी अ सेकेंड, क्यों इसमें इश्यू हो रहा है कैमरा में। करो तुम लोग नेक्स्ट करो। बीवी नहीं है, ये भी लव नहीं है। कैमरा में इशू गाइस, एंड वी जस्ट कंटिन्यूइंग विद द रेस्ट ऑफ द इंटरव्यू। द कैमरा ठीक है, मुझे सुनना। नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई साइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। हाँ, सप्लाई साइड है और रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट है। तुम लोग बोल रहे हो सी, इसमें आया कि ये देखो मैल फंक्शन आया यूएसबी। हाँ, वो आ ही नहीं रहे, वो मैल फंक्शन आ गया। तुम 5 मिनट दे मेरे को, हम ही खत्म करा देते। हाँ कोई बात नहीं, बाद में वील स्विच ऑन द कैमरा। ये वाला देखो क्या होगा, रिड्यूसिंग ये वाला पहला वाला से तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ है, इंक्रीजिंग सोशल में अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। मनी सप्लाई से, सप्लाई साइड है ही नहीं, डिमांड साइड पॉलिसी है। एंड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज अगेन फिस्कल पॉलिसी है, नॉट सप्लाई साइड पॉलिसी। ठीक है, 19 19 नो क्राउडिंग आउट इफेक्ट। द अडॉप्शन ऑफ अ पॉलिसी टू रिड्यूस द गवर्नमेंट बजट डेफिसिट विल इन्वॉल्व, हम लोग को रिड्यूस करना है बजट डेफिसिट। तो बजट डेफिसिट कम करने का क्या मतलब है? वेरी गुड, या तो टैक्स बढ़ा रहे, एक्सपेंडिचर कम कर रहे हैं। आप अगर ये कम करते हैं, ये ज्यादा करते हैं, तो एग्रीगेट डिमांड फॉल है कि इंक्रीज है, पहले तो ये बताओ। दो पार्ट है ना इसमें, एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड और रियल आउटपुट। तो एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, एग्रीगेट डिमांड में क्या होगा, फॉल की इंक्रीज? फॉल होगा ना, तो ये दोनों काटो, एग्रीगेट डिमांड फॉल होगा। अब रियल आउटपुट क्या होगा, गिरेगा। अगर एडी गिरेगा तो रियल आउटपुट भी गिरेगा। इन्फ्लेशन के बारे में कुछ बोला ही नहीं इधर कि इन्फ्लेशन हो रहा है या कुछ, गिरेगा। चलो 20, पॉपुलेशन 25 है, 16 एम्प्लॉयड, सेम सम कल के थे हम लोग, इतने एम्प्लॉयड इतने अनएम्प्लॉयमेंट। रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कैसे निकालेंगे? पहले तो अनएम्प्लॉयड कितने हुए, 2 बाय लेबर फोर्स कितना हुआ, कितना आ रहा है 25। क्यों भाई, 25 माइनस 18, दी 7 मिलियन पीपल आर नॉट विलिंग टू टेक अप द वर्क, दे आर नॉट इन द लेबर फोर्स ओनली। कितना आ रहा,
11.1. चलो नेक्स्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव मॉनेटरी पॉलिसी. ओपन इकोनॉमी, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट. तुम लोग क्या बोलना चाह रहे हो कि रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी का मतलब है तुम इंटरेस्ट रेट को हम लोग बढ़ाएंगे, तो ये दोनों पॉइंट्स नहीं होगा. और एक्सचेंज रेट क्या होगा उसकी वजह से, अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो एक्सचेंज रेट. नहीं, अगर देखिए इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो लोग सेव करेगा और वो लोग इंपोर्ट का होगा उससे। हॉट मनी आएगा तो डिमांड फॉर आर करेंसी विल, तो अप्रिशिएट हुआ ना एक्सचेंज रेट. नेक्स्ट 22. क्लियर हो रहा है ना विभा? वेरी विभा बोल रही हूँ, जान जानवी, वेरी गुड. ए होगा नेक्स्ट 22. नॉट कॉन्स्टिट्यूट अ डिमांड साइड पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. क्या बोला तुम 22? एक सेकेंड. रिड्यूस्ड कॉर्पोरेट पर्सनल टैक्सेशन. चलो डिमांड साइड है ये. अब तुम अगर टैक्स कम करेगा, ये डिमांड साइड है, ये डिमांड साइड है. अगर टैक्स कम हुआ तो इससे तुम्हारा एग्रीगेट डिमांड क्या होगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा कि नहीं, तो डज नॉट क्वेश्चन में बोला है. तो ये तो हो रहा है. दिस कॉन्स्टिट्यूट्स डिमांड साइड एंड दिस रिजल्ट्स इन अ रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. तो ये तो नॉट पे फोकस करो, ये नहीं होगा आंसर. दिस इज डिमांड साइड पॉलिसी. सप्लाई साइड इकोनॉमिक और हम लोग यही आंसर दिया था। एक सेकेंड. वुड कॉन्स्टिट्यूट अ सप्लाई साइड इकोनॉमिक पॉलिसी फॉर रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट. नॉट अ डिमांड साइड पॉलिसी, मतलब इसका ही आंसर होगा। ये कौन सा क्वेश्चन है? 22 कर रहे हैं ना हम लोग. रुक जाओ एक सेकेंड, रुक जाओ, ऐसे मत रटो मत चीजों को. यहाँ पे बोला है सप्लाई साइड इकोनॉमिक पॉलिसी विल लीड टू रिड्यूसिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट. तो दिस रिजल्ट्स इन रिड्यूसिंग एन अनएम्प्लॉयमेंट. बट वहां क्वेश्चन पढ़ो ना, दिस विल रिजल्ट इन व्हाट, रिडक्शन इन अनएम्प्लॉयमेंट. बट यहाँ क्वेश्चन में दे दिया नॉट. चलो मान लो ये सप्लाई साइड पॉलिसी है, बट इससे तो अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है ना. नॉट बोला है उधर, नॉट नहीं लिखा हुआ है. तुम रिलेट मत करो तो ये नहीं, इसीलिए तो मैंने बोला नॉट. अब नेक्स्ट बोलो और क्या हो सकते हैं. मनी सप्लाई अगर इंक्रीज कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो अनएम्प्लॉयमेंट ये भी नहीं होगा. इंक्रीज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर से क्या होगा, अनएम्प्लॉयमेंट इससे भी नहीं. प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम, प्राइवेटाइजेशन प्रोग्राम का क्या मतलब है? गवर्नमेंट अपना प्राइवेटाइज, प्राइवेटाइजेशन पब्लिक को प्राइवेट कर रहा है, तो उससे आपका अनएम्प्लॉयमेंट होगा कि नहीं, पता नहीं चलेगा उससे. सो दिस इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बाकी सबसे एक्चुअल में अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रहा है. हमें नॉट बोलना है. एंड प्राइवेटाइजेशन इज नॉट अ डिमांड साइड पॉलिसी, इट्स अ सप्लाई साइड पॉलिसी, क्योंकि गवर्नमेंट इज नॉट डायरेक्टली डूइंग एनीथिंग, इट्स अ सप्लाई साइड पॉलिसी. गॉट इट? नॉट बोले क्वेश्चन 23. तो तुम्हारा जो आंसर था ये ऑल दो सप्लाई साइड है, बट इससे अनएम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है और इकोनॉमी 23. मिनिमम वेज अगर लगा दें दैट इज अबव द मार्केट इक्विलिब्रियम, तो उससे क्या होगा? ये सेम क्वेश्चन अभी कॉर पेपर में आया था. इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड. अगर हम लोग का मिनिमम वेज रेट ऊपर है इक्विलिब्रियम से, लेट्स सपोज ये डिमांड ऑफ लेबर है
और ये सप्लाई ऑफ लेबर है और ये आपका वेज रेट है, तो इसके ऊपर लगा दिया है। गवर्नमेंट इम्पोज मिनिमम वेज दैट इज अबव द इक्विलिब्रियम। हाँ, सो द क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड विल, इंक्रीज, ठीक है। और बाकी मैं देख रही थी कि बाकी तो नहीं होगा ना पॉसिबिलिटीज। लेबर विल डिमांड विल नॉट शिफ्ट टू द लेफ्ट। हाँ, 23 का क्या है, सी तो है, तुम क्या बोल रही हो? मूवमेंट अगर तुम करोगी तो कैसे होगा इधर? क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड विल इंक्रीज, ये वाला। पहले इतना था, अब इतना हो गया। क्वांटिटी ऑफ लेबर सप्लाइड विल इंक्रीज, करेक्ट। 24, अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट वुड इंक्रीज इफ। नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कब इंक्रीज होगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन अगर बढ़ता है और फिलिप्स कर्व यूज करें, इन्फ्लेशन बढ़ने से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, तो ये नहीं होगा। लेबर प्रोडक्टिविटी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने से, तो लेबर वुड इंक्रीज इफ, लेबर प्रोडक्टिविटी बढ़ने से तो अनएम्प्लॉयमेंट थोड़ी बढ़ेगा। लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट पेड विल डिक्रीज, अगर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट डिक्रीज होगा तो नेचुरल रेट तो डिक्रीज होगा ना, तो ऑप्शन ए ही हुआ। लेंथ ऑफ टाइम ऑफ टिपिकल जॉब सर्च विल इंक्रीज, जॉब सर्च इंक्रीज होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अ गवर्नमेंट्स अटेम्प्ट टू इंक्रीज द नैरो मनी सप्लाई थ्रू ओपन मार्केट ऑपरेशन आर लाइकली टू कॉज शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट्स टू, नैरो मनी सप्लाई को बढ़ाना है ओपन मार्केट ऑपरेशन से, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, बॉन्ड बेचेगा कि बॉन्ड खरीदेगा? बॉन्ड खरीदेगा, तो शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट रेट तो उसको कम करना पड़ेगा ना इंटरेस्ट रेट, तभी तो लॉन्ग नहीं। अगर देखो इसका लॉजिक समझो, अगर इंटरेस्ट रेट ज्यादा होगा इकोनॉमी में तो आप क्या रखोगे अपने पास, कैश की बॉन्ड? बॉन्ड रखेंगे क्योंकि बॉन्ड पे आपको ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, आप कैश क्यों रखोगे, है ना? तो इंटरेस्ट रेट को गवर्नमेंट को कम करना होगा, तब जाके वो लोगों से जोर जबरदस्ती करके थोड़ी बॉन्ड खरीदेगा। पहले वो इंटरेस्ट रेट कम करता है, फिर बॉन्ड परचेज करते हैं, तो लोगों को लगता है अब तो इंटरेस्ट इस पे एनीवेज कम मिल रहा है, तो बॉन्ड बेच दो और कैश ले लो, है ना? तो आपका इंटरेस्ट रेट विल फॉल, फिर और मनी डिमांड विल बढ़ेगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है, तो मनी डिमांड विल गो अप। 26, अ डिक्रीज इन द प्राइस लेवल विल रिजल्ट इन, प्राइस लेवल डिक्रीज मतलब इन्फ्लेशन कम हो रहा है, रियल वेज रेट बढ़ेगा। वेरी गुड, और तो कुछ नहीं है। नॉमिनल प्राइस, इन्फ्लेशन कम होने का मतलब ही रियल वेज रेट बढ़ेगा। फॉल इन रियल इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं होगा? फॉल इन रियल इंटरेस्ट रेट क्यों नहीं होगा? इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेगा ना, इंटरेस्ट रेट तो बढ़ना चाहिए ना, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ना चाहिए। नॉमिनल से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, नॉमिनल से हम लोग को फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो ये चीज होगा। लेट्स डू इट टिल हियर, एक बार ये कैमरा सॉर्ट आउट हो जाएगा, वील कंटिन्यू।